पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जनपद की थाना सिविल लाइंस पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ करते हुए 6 महिलाओं सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से कुछ अनैतिक सामान भी बरामद किया है। मुरादाबाद की थाना सिविल लाइंस पुलिस ने आज ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें स्पा और मसाज सेंटर की आड़ में काफी समय से देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पुलिस के अनुसार पिछले काफी समय से सूचना मिल रही थी कि एमडीए जैसे पॉश इलाके में चल रहे स्पा मसाज सेंटर पर कुछ अनैतिक कार्य हो रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर निशानदेही के बाद देर रात छापा मारते हुए मौके से सेंटर के संचालक सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आधुनिकता की होड़ में खुल रहे स्पा और मसाज सेंटर कहीं न कहीं अनैतिक कार्यों में लिप्त हो ही जाते हैं। एमडीए जैसे पॉश इलाके में ब्लॉसम जैसे दर्जन भर से ज्यादा सेंटर चल रहे हैं। मुरादाबाद एसपी सिटी अंकित मित्तल ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 6 महिलाओं सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सेंटर पर ली गई तलाशी के कुछ अनैतिक सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने सेंटर के मालिक राकेश चौधरी और उसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। देखिए, कल रात थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि एक ब्लॉसम स्पा सेंटर है जिसमें स्पा सेंटर के नाम पर कुछ अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है। इसी संबंध में जब एक डिकॉय लगाकर एक व्यक्ति को वहाँ भेजा गया तो उसने इस खबर की पुष्टि की, परंतु जब उसे दोबारा जाने को कहा तो वो किसी कारणवश वहाँ नहीं गया और तब हमने अपने सिपाही को वहाँ पर भेजकर इसका जो है खुलासा किया और जब वहाँ पहुँचे तो दबिश दी, तो वहाँ पर कुल 8 व्यक्ति हमें वहाँ मौजूद मिले, 6 महिलाएं और 2 पुरुष। उनके साथ पास से कुछ इस प्रकार की चीज़ें बरामद हुई हैं जिससे कि ये प्रूव होता है कि वो अनैतिक देह व्यापार में इन्वॉल्व थे। इस संबंध में तत्काल मौके पर पहुंचकर उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और वहां पर जो भी सामान मिला है सभी को कब्जे में लेकर ये मुकदमा लिखा गया। सर, आपराधिक प्रोफाइल की कुछ है? देखिए, पहली बार पकड़े गए हैं और कुछ समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये स्पा सेंटर के नाम पर अनैतिक व्यापार कर रहे हैं। इस संबंध में एजुकेशन प्रोफाइल क्या है? ये जो व्यक्ति हैं, जो महिलाएं जो हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं है। क्या उम्र रही होगी इनकी और क्या क्या किस तरह का ये व्यापार कर रहे थे? क्या किसी और किसको टारगेट बना रहे थे? देखिए, जो भी स्पा सेंटर में जो भी व्यक्ति आता था उसको ये ऑप्शन देते थे कि ये अनैतिक देह व्यापार के संबंध और उनसे जिस हिसाब से भी उनका रेट होता था उस हिसाब से उसको बरामद की। क्या हुई है स्पा सेंटर पर? इनके पास से फोन मिले हैं, कुछ निरोध मिले हैं, कुछ शक्तिवर्धक कैप्सूल मिले हैं और कुछ अन्य सामान मेकअप का मिला इनके पास। कितनी कितनी महिलाएं रही होंगी? 6 महिलाएं और 2 पुरुष मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। एड्रेस मुरादाबाद या बाहर से? देखिए, जो 2 संचार जो मेन ओनर जो हैं जिनके नाम पे स्पा सेंटर है वो लोग हापुड़ के रहने वाले हैं और महिलाएं जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से गाजियाबाद, नोएडा, बिहार, राजस्थान, जयपुर की। क्या इस तरह के स्पा सेंटर की क्या कहीं और भी इस तरह के चल रहे हैं सेंटर्स, क्या कोई जानकारी मिली है? देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी जिसके संबंध में रेड की गई है और इनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कहीं और की कोई जानकारी या कहीं और भी है? अगर इस प्रकार की सूचना प्राप्त होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, हड्डी बिल के पास जो बोला सर, इस प्रकार की सूचना हमें प्राप्त होगी हम भविष्य में इस तरह कार्रवाई करते हैं। सर, पुलिस को भली भांति सभी याद है वहाँ पर, कोई कार्रवाई नहीं होगी? जो भी सूचना प्राप्त होगी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी।